सो so गैस चलो बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो डेफिनेटली एक मिनट के अंदर आंसर किए जा सकते हैं वैसे तो एक गोल्डन रूल है सी का जो मैंने क्लास में हमेशा डिस्कस किया है कि अगर एक मिनट से ज़्यादा कोई क्वेश्चन ले रहा है एक मार्क के लिए तो वो वर्थ नहीं है इफ़ यू आर टारगेटिंग टॉप फाइव कॉलेजेस बाय द स्कोर ऑफ सी एग्जाम सो लेट्स अंडरस्टैंड कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जो डेफिनेटली आराम से बंदा एक मिनट या उससे कम में अटेम्प्ट कर सकता है और ना सिर्फ मैं वर्बल के बारे में बात करूंगा इनफैक्ट मैं स्टार्ट ही करूंगा रीजनिंग से सोचा चलो देखते हैं कि रीजनिंग में वो कौन से क्वेश्चन हैं जो डेफिनेटली एक मिनट के अंदर आराम से अटेम्प्ट किए जा सकते हैं मैंने सोचा क्यों ना रीजनिंग सेक्शन से शुरुआत करते हैं रीजनिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है स्टूडेंट्स का सो so, पहला जो क्वेश्चन आपको देख रहा है स्क्रीन पे गाइस वो है विजुअल रीजनिंग मतलब देखो और पता करो जिसको अंडे घूम रहे हैं घड़ियां नाच रही हैं एरो इधर उधर हो रहा है सो so, ऑफकोर्स उसके ट्रिक्स होते हैं जो आपने क्लास में सीखे होंगे आई एम श्योर सो विजुअल रीजन के अराउंड ट्वेंटी क्वेश्चन आते हैं गाइज ये अप्रोक्सीमेशन है और ये अप्रोक्सीमेशन पिछले दो साल के एग्जामिनेशन को नज़र में रख के मैंने बनाया है क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं मैं भगवान तो नहीं हूँ ऑफकोर्स सो गाइज प्लीज़ इसमें ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में कॉज एंड इफेक्ट स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन देखा पढ़ा समझा लॉजिकैलिटी देखी किया आता है ठीक है नहीं आता तो भी ठीक है क्यों मैं ऑप्शन देखे एंड कोर्स इन इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग एंड आई एम श्योर ये भी आपने सीखा होगा इसके अराउंड सेवन क्वेश्चन आते हैं से बहुत ही सिंपल चीज़ है अंडे अंडे बनाओ वेन डाइग्राम वाले देखो आंसर किया ये भी एक मिनट के अंदर आराम से पर क्वेश्चन होता है तो पाँच क्वेश्चन इसके हो सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग ये भी दस क्वेश्चन अराउंड आते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस पिछले दो साल में थोड़े कम आने लगे हैं दो बट टू टू फाइव क्वेश्चन अराउंड हो सकते हैं एज आई सेड अर्लियर कि guys, ये किसी है ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकते हैं फिर उसके बाद आती है बारी इनपुट एंड आउटपुट ये भाई ये क्वेश्चन हमेशा कांस्टेंट रहा है पांच क्वेश्चन हमेशा इसके आते हैं ये क्वेश्चन भी एक मिनट के अंदर हो जाता है स्टेटमेंट एंड अजम्पन ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली कॉज एंड इफेक्ट और स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन की तरह है चाहे कोई भी क्वेश्चन हो मेन मुद्दा होता है समझना कि एक्सप्रेशन क्या है अगर मुझे समझेगा तो ही मुझे उसका इफेक्ट समझ में आएगा तो ही मुझे उसका कोर्स ऑफ एक्शन समझ में आएगा या उसको मैं अज्यूम कर सकता हूँ गाइज मैं अगर आपको चाहिए तो इसके ऊपर मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ या एक रिकॉर्डिंग बना सकता हूँ कि किस टाइप से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जाए सो गाइज ओवरऑल इफ़ यू काउंट ट्वेंटी थर्टी फोर्टी और फाइव प्लस सेवन कितना हो गया ट्वेल्व फोर्टी फिफ्टी फाइव मेरे ख्याल से पचपन क्वेश्चन अराउंड जो आएंगे जो आपके रीजनिंग में जो आराम से आप एक मिनट से अंदर कम में अटैम्प्ट कर सकते हैं और ये क्वेश्चन तो गाइस तुम्हें टारगेट वन हंड्रेड परसेंट करने ही हैं लोग क्या करते हैं अपना पूरा दिमाग पजल की गज़ल गाने में लगा देते हैं गाइज ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते हैं आराम से ये क्वेश्चन अगर हम उससे पूछोगे तो अराउंड ये फिफ्टी से फिफ्टी फाइव क्वेश्चन तीस से चालीस मिनट सर के ऊपर से पानी गया पचास मिनट में अटैम्प्ट हो जाते हैं और ये क्वेश्चन तो मुझे टारगेट करने ही चाहिए रीजनिंग सेक्शन में चलो भाई फाइनली बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सेफिशंसी के ऊपर नाउ डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली तीन चीजों से बना हुआ है परसेंटेज एवरेज एंड रेशियो एंड प्रपोशन इसके ऊपर अराउंड टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन आते हैं और डेटा सफिशंसी के ऊपर टेन क्वेश्चन आते हैं कॉन्ट के ऊपर ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आते हैं जिसमें से अराउंड टेन टू ट्वेल्व क्वेश्चन आपके एर्थमेटिक के ऊपर होंगे सो गाइज अगर आपका मैथमेटिक्स इतना कोई स्ट्रॉन्ग भी नहीं है इतना कोई वाव wow नहीं है लेकिन फिर भी आपको पाँच से छः कॉन्सेप्ट आते हैं अच्छे से

अब एवरेज इंग्लिश है तो पच्चीस से तीस मिनट में आराम से पेपर हो जाता है बट फिर भी थर्टी फाइव मिनट्स मैक्स है यार वो कैप बेस्ड क्वेश्चन एनटोनेम्स ए नॉनेम उस टाइप के क्वेश्चन वो कहीं भी आ सकते हैं वो आर सी के बीच में भी कहीं डाल देगा रैंडमली डालेगा अराउंड टेन क्वेश्चन आते हैं क्लोज टेस्ट जो है एक ऐसा क्वेश्चन एक पैसेज होगा इसके बीच बीच में वर्ड्स मिसिंग होंगे लोगों को लगता है ये वोकेबलरी पे जज करता है नहीं भाई ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पे फोकस करता है समझ पे फोकस करता है ये टेन क्वेश्चन है ये ट्वेंटी क्वेश्चन गाइज सेवन मिनट्स में सेवन टू टेन मिनट्स में आराम से अटैम्प्ट होते हैं ऑफ कोर्स क्लोज टेस्ट को कैसे करना है इसके ऊपर मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन या रिकॉर्डिंग बना के दे दूंगा तीन से चार मिनट का वो कैप बेस क्वेश्चन में आप ये फोकस करें कि किस किस वर्ड का मीनिंग आपको पता है क्या वो आंसर हो सकता है नहीं हो सकता है एलिमिनेट करो अगर आंसर नहीं भी आता तो एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी तो राइट right हो सकती है लेकिन उसके लिए मुझे एलिमिनेशन मेथड अंग से यूज करना आना चाहिए फिल इन द ब्लैंक्स अगेन क्लोज टेस्ट का भाई है लेकिन क्लोज टेस्ट में पैराग्राफ होता है इसमें दो या तीन लाइनें होंगी इसके अराउंड पांच क्वेश्चन आएंगे ग्रामर यस सेंटेंस करेक्शन स्पॉट द एरर सेंटेंस ज्वाइनर इस टाइप के अराउंड टेन क्वेश्चन आते हैं 2018 में सरप्राइजिंगली प्रॉबेबल स्टार्टर और सेंटेंस ज्वाइनर पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया बट गया इसका मतलब ये नहीं है कि 2020 में नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन या तो मुझे आते हैं या तो नहीं आते आपने देखा है कि मैंने इस हफ्ते के वर्बल वर्कशॉप में आपको बताया कि कैसे ऑप्शन देख के और कैसे जुगाड़ लगाकर हम लोग फिर भी आंसर राइट कर सकते हैं सिर्फ चार चीज़ों पे फोकस करके थोड़ा सा एक्सप्रेशन समझो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो दिमाग लगाओ आंसर एट्टी टू नाइनटी परसेंट आ सकता है इवन इफ यू आर नॉट दैट ग्रेट इन ग्रामर सो भाई ये छोटा सा जो मैंने वीडियो बनाया आई होप आपको ये जानने में मदद करेगा कि अराउंड ये जो क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन तो भाई किसी भी हालत में मुझे एक मिनट से ज्यादा लगने ही नहीं चाहिए और ये क्वेश्चन तो मुझे डेफिनेटली टारगेट करने हैं अब ये समझो कि ये क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है और ये करके आराम से आपका स्कोर पुश हो सकता है बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी आपको करने हैं बट ये क्वेश्चन भाई ये तो हाथ से जाने नहीं चाहिए आई होप ये ये रिकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको स्कोर पुश करने में हेल्प करेगी थैंक यू गाइस